सो व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स योर टेक्निकल धुरिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप फाउंटेन एनिमेशन में फ्रूट्स को खा सकते हो। पूरी डिटेल से बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, बिगिनर ट्यूटोरियल देख लेना, तभी आप लोगों की ये वीडियो समझ आने वाली है। वैसे आप लोगों को मैं सीरियल वाइज बताऊंगा, सो समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ जो हमने इसमें बनाई हुई है। सो इसी तरह मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। देखो ये डायरेक्ट ही खा ले रहा है, तो इस तरीके कुछ सिखाऊंगा आप लोगों को। मूवमेंट वगैरह के बारे में मैंने पहले ही बता के रखी हुई है, सो वीडियो जो है जाके देख लेना। तो देखो मैंने सबसे पहले प्रिज्मा 3D ओपन कर लिया, सब कुछ सेट किया हुआ है। सबसे पहले 3D पे मैं क्लिक करके मैं चलता हूँ बैक, और इसकी जो क्वालिटी उसे कर देते हैं लो। तो ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पे मैं गया। इसके बाद जाने के बाद क्वालिटी सेटिंग जो दिखने को मिलती है ना, एडिटिंग क्वालिटी, इसको लो कर देना है, फिर बैक आना है। अब देखो आप चलते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी छेड़छाड़ करनी है इसमें, सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसका लो एंड डिवाइस है ना, उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सो वो ये बिल्कुल भी मिस मत करना। अब देखो अपना ये आ चुका है, अब हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट मूव वगैरह करा देते हैं। ऊपर जो आपके दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। एनिमेशन वाले पे हमने सारा काम करना है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया इधर काम चल रहा है। अब देखो इस पे ड्रैगन पे आपको क्लिक करना है, इस पे की फ्रेमिंग देनी है। नीचे जो की फ्रेमिंग देखने को मिल रही है ना, एक पे देना है। फिर आप लास्ट में जहां मर्जी दे सकते हो वो आप लोग देख लेना। जैसे कि अभी चलो ड्रैगन वाले पे मैंने क्लिक किया, एक की फ्रेम पहले से है, इसे मैं हटा देता हूं। अब जैसे मैंने इस पे देना है तो उसी एक पे क्लिक करके रखूंगा। फिर जो घड़ी वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना, इस पे क्लिक कर दूंगा। चलो आप लोगों को बताता हूं कैसे। जैसे कि हम चलते हैं अभी एक पे, फिर आपको दिखाएंगे। इधर आ गए, इस पे लास्ट वाली की फ्रेमिंग दी है। अब इधर जाने के बाद हमने क्या करना है, ये जो घड़ी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है साइड में, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा इनेबल। उसके बाद देखो ये मूव करने लग जाएगा, मूव कर रहा है, पर एप्पल को नहीं खाया, डायरेक्ट निकल गया। मैं आप लोगों को बताऊंगा एप्पल को ये कैसे खा सकता है। एप्पल को खिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर ढूंढना होगा जब ये एप्पल के पास पहुंचता है। देखो इस जगह पे एप्पल के पास पहुंच रहा है। सबसे पहले देखो एप्पल वाले पे क्लिक कर लेना, फिर उसके बाद आप ये जो एप्पल वाला है उसे क्लिक करना। अब देखो इस जगह पे मूवमेंट जो कर रहा है, इधर पहुंच रहा है ना एप्पल के पास, तो इतने से इतने के बीच में हमने इसे एप्पल को खिलाना है। सो कैसे खिलाना है बताता हूं मैं। जैसे कि देखो इस की फ्रेम के पास ही एप्पल के पास पहुंच रहा है, तो इधर मैंने क्या करना है, की फ्रेमिंग दे देना है। ठीक, उसके बाद इसको भी छोटा बड़ा करके हम वापिस से की फ्रेमिंग देंगे। बट वेट, अभी हमने क्या करना है, इस एप्पल को क्लिक करना है। एप्पल को क्लिक करोगे तब जाके आपका काम करने वाला है। एप्पल क्या चीज, देखो ये वाले से हम छोटा या बड़ा करते हैं, उसके बाद आपको इस एप्पल को क्लिक करना होगा। एक बार मैं आपको किस पे दिखा देता हूँ मार्क करके। ये जो एप्पल दिख रहा है देखो, इसी साइज हमने छोटी बड़ी करनी है ना, इसलिए इस पे क्लिक करना है। इस पे हमने क्लिक किया हुआ। अब देखो एक की फ्रेम हम इधर देंगे, इधर रख के फिर हमने घड़ी वाले पे दबा दिया। फिर थोड़ा सा आगे करेंगे, फिर इसकी साइज को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। लाइक देखो अभी मैं इसको घटा रहा हूं। फिर देखो मैंने की फ्रेमिंग लगा दी है वहां पर। अब जैसे जैसे मैं की फ्रेमिंग का यूज कर रहा हूं, जो जो टूल यूज कर रहा हूं आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूं, इससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखो थोड़ा नीचे किया, फिर एक की फ्रेम लगा देंगे और छोटा कर देंगे। घड़ी वाला जैसे आप दबा दोगे आपका काम सेट हो जाएगा। अगर आप घड़ी वाले को नहीं दबाते तो आपका काम नहीं सेट होगा। एक और बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो मैंने इस पे रखा हुआ है, इसकी साइज को मैं अभी कम कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, मतलब जितनी भी मुझे चाहिए आगे कर रहा हूँ पीछे कर रहा हूँ। इसके मुंह में मतलब हमने इस एप्पल को खिलाना है, तब जाके लगेगा कि हाँ एप्पल खा रहा है। अब इसके मुंह के अंदर आपको कर लेना इसकी फ्रेमिंग के ऊपर। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, एप्पल को इसे पूरी तरह छोटा कर देना है और उस एप्पल को नीचे की ओर फेंक देना है। देखो इससे मैंने क्या किया, नीचे की ओर फेंक दिया, की फ्रेमिंग लगा दी। बस अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह लग रहा है। देखो एप्पल खा लिया, सिंपल सा था यार वीडियो में कुछ नहीं थी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सो शेयर जरूर किया करो, उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।